जारी सियासी घमासान के बीच अब एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को अपनी शर्तें बता दी हैं। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के साथ ही शिंदे यहां तैयारियों में लग चुके हैं। कैबिनेट में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन विभाग शिंदे के गुट के विधायकों को मिले, इस कोशिश को लेकर यहां एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचते हैं। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस इन दोनों की बात को सुन लिया है, इन दोनों की मांगों को भी सुन लिया है और अब अमित शाह जेपी नड्डा के साथ मुलाकात कर रहे हैं। एक और बड़ा फैसला एकनाथ शिंदे की तरफ से लिया गया है। शिंदे ने साफ साफ पार्टी हाईकमान को कह दिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के खिलाफ एक भी नकारात्मक शब्द भाजपा का कोई नेता नहीं कहेगा। जी हां, एकनाथ शिंदे ने आपत्ति जताई है उन तमाम दावों पर जो उद्धव ठाकरे को लेकर किए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे का कहना है कि उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार का सम्मान वो करते हैं, हमेशा करते रहेंगे, इसीलिए एक भी विवादास्पद बयान उद्धव ठाकरे के परिवार के खिलाफ नहीं दिया जाना चाहिए, जिसे लेकर भाजपा हाईकमान तक भी ये पूरी बात पहुंच चुकी है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।